नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर यू में आप सबका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज हम बनाएंगे खमन ढोकला। इसके लिए हमें चाहिए एक कप चावल और हाफ कप उड़द की दाल। दोनों को मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आटा बन जाए तो अब हम इसमें एक ग्लास छाछ ऐड कर देंगे। अगर छाछ ना हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्स कर इसका बैटर बना लें। और इसे 2 घंटे तक ढक कर रख लें। दो घंटे बाद इसमें इनो सोडा, नमक और 2 टेबलस्पून घर का तेल ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक डिश में तेल को फैला दें। बैटर तैयार हो जाने के बाद ढोकला बनाने का कुकर लें। अगर आपके पास ऐसा कुकर अवेलेबल ना हो तो रेगुलर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक गैस पर लगाए रखें। 20 मिनट बाद कुकर खोल लें और एक नाइफ की मदद से बैटर को देख लें। अगर चाकू पर बैटर यानी कि ढोकला नहीं चिपकता तो ये पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ऊपर तेल लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ तड़के के लिए एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। इसमें राई, कड़ी पत्ता और 2 मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें अब ढोकला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है ढोकला। अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी खजूर और इमली। दोनों को मिक्सचर में थोड़े से पानी के साथ अच्छे से पीस लेंगे। और इसे एक छननी की मदद से छान लेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और लीजिए तैयार है खजूर और इमली की चटनी। थैंक यू।